गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग जावा का कनेक्शन हम लोग माई एसक्यूएल से सीखेंगे। जावा की कनेक्टिविटी माई एसक्यूएल से करने से पहले हमें माई एसक्यूएल में डाटाबेस क्रिएट करना होता है। जैसे स्कूल नाम का है तो स्कूल में हम लोग गए, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद न्यू नाम के इस पर क्लिक करेंगे। न्यू पर क्लिक करने के बाद टेबल का नेम देंगे। बाय डिफॉल्ट 4 एट्रीब्यूट्स दिए रहेंगे। अगर और भी एट्रीब्यूट्स बढ़ाना है तो ऐड 1, 2 जितना बढ़ाना करके गो पर क्लिक कीजिएगा, इससे आप बढ़ा सकते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल, यदि हम लोग कोई बनाना चाहते हैं जिसमें एम्प्लॉय के बारे में बनाना चाह रहे हैं, तो एक ईएमपी नाम का टेबल क्रिएट करेंगे। एम्प्लॉय में एम्प्लॉय नंबर होगा तो ईएमपी ईनम, एम्प्लॉय नंबर नंबर टाइप का अगर है तो इंट लेंगे, अगर वह कैरेक्टर टाइप का देना चाहते थे वैरकर लेंगे। वैरकर लेने के बाद उसका हम लोग साइज देंगे। इसके बाद हम लोग ईनेम लेंगे, ईनेम वैरकर टाइप का होगा, जो उसका साइज देना चाहेंगे उसका साइज देंगे। एड्रेस वैरकर टाइप का होगा, इसके बाद इसका साइज हम लोग असाइन करेंगे। सैलरी इंटीजर टाइप का अगर लेना चाहते इंट टाइप का, रियल लेना चाहते रियल, फ्लोट आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है या जरूरत पर डिपेंड करता है कि कैसा आप लेना चाहते हैं। करने के बाद हम लोग इस स्क्रीन के डाउन में जाएंगे, सेव बटन पर क्लिक करेंगे। सेव पर क्लिक करते ही हमारा डेटाबेस बनकर तैयार हो गया ईएमपी नाम का, जिसमें ई नाम, ई नेम, एड्रेस और सैलरी या हमारे डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं। साथ ही साथ आप इनम को अगर प्राइमरी की अगर लगाना चाहते हैं तो वह प्राइमरी की भी आप इससे बना सकते हैं। इस पर आप क्लिक करके, यहाँ प्राइमरी की वाला ऑप्शन है, यहाँ क्लिक कीजिएगा, इससे यह प्राइमरी की बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या डाटाबेस बनाया। डाटाबेस बनाने के बाद हम लोग इक्लिप्स को ओपन करेंगे। इक्लिप्स को ओपन करने के बाद हमें नया चाहिए तो यहाँ जाएंगे स्कूल नाम के ऊपर। स्कूल पर जब क्लिक किए थे, क्लिक करने के बाद माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। न्यू पर जाएंगे, न्यू पर जाने के बाद अदर पर क्लिक करेंगे। अदर पर क्लिक करने का जे फ्रेम पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ईएमपी पर ईएमपी लिखेंगे, फिनिश लिखेंगे। जब हम लोग फिनिश पर क्लिक करेंगे तो ईएमपी नाम का एक क्लास बन गया, जिस क्लास के अंदर हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहता है, उसी नाम से हम लोग अपने प्रोग्राम को हम लोग सेव करेंगे, दूसरे नाम से प्रोग्राम को सेव नहीं करेंगे। इसके बाद डिजाइन पर क्लिक करेंगे। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद यहां लिखेगा ओपनिंग डिजाइन पेज। कुछ टाइम लेगा, फर्स्ट चांस जब आप ओपन कीजिएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ समय लेगा, आपका ओपनिंग डिजाइन पेज ओपन होगा। अभी हम लोग इक्लिप्स पर काम कर रहे हैं, यह काम आप नेटबिन पर भी कर सकते हैं। इक्लिप्स या नेटबिन आपका आईडीई है। आईडीई का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट्स। अब यहां पर जाने के बाद हमें एक लेवल लेना है, तो यहां से ले लेंगे जे लेवल। लेवल लेने के बाद यहां पर इसको हम लोग क्लिक करेंगे, यहां से ड्रैग या ड्रॉप। इसमें इसके कैप्शन को चेंज करने का तरीका यह है कि इसके टेक्स्ट में जाएंगे, या इसका प्रॉपर्टी विंडो है या इसका पैलेट है, यहां से डिफरेंट टूल्स लेंगे और टूल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी यहां लेंगे। यहां पर जैसे हम अगर बनाना चाहते हैं एम्प्लॉय का, तो इस पर लिख देंगे एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म। अगर इसके फॉन्ट साइज बड़ा करना चाहते हैं तो फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, इसके साइज को आप इंक्रीज कर सकते हैं। करने के बाद इसके बैकग्राउंड का कलर यदि चेंज करना चाहते हैं, फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए, इसमें एक ऑप्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे। AWT कलर पर जाएंगे, आपकी इच्छा है जैसा आप कलर रखना चाहते हैं उस तरह के कलर आप रख सकते हैं।
इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। तो ओके पर क्लिक करेंगे, एक मिनट, यहां पर गए हैं और यहां से मैंने कलर चूज किया। चूज करने के बाद ओके बटन पर प्रेस करेंगे तो यह आपका सेलेक्ट कलर है, यहां से कलर चेंज करेंगे। ओके पर क्लिक, ओके बटन प्रेस, यह आपका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, सैलरी बनाना है, तो इसके लिए जे लेवल, लेवल लेंगे। लेने के बाद लेवल को यहां ले आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम पर बेस्ड है, कोडिंग ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड्स में होते रहेंगे। लेवल लिए, लेवल को यहां पेस्ट किए, कंट्रोल भी के से हम लोग इसको पेस्ट करेंगे। इसके कैप्शन चेंज करना है, इसके टेक्स्ट में जाएंगे और इस पर हम लोग एम्प्लॉय नंबर लिख देंगे, इंटर मारेंगे, वो आपका चेंज हो जाएगा। आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके इसको बड़ा छोटा या अपने फॉर्मेट्स में आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो भी टूल बॉक्स में है यहां पर लेकर आप इसको ड्रैग ड्रॉप से आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। और जो जैसे भी आप इंटरफेस डिजाइन कीजिएगा, ऑटोमेटिकली इसके बैकग्राउंड में आप सोर्स पर क्लिक करके आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका कोड तैयार होना शुरू हो गया है। जैसा आप बनाइएगा ऑटोमेटिकली आपका कोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, कोड करने की आवश्यकता नहीं है, कोड ऑटोमेटिकली आपका होना स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग वर्क को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि मेन पर्पस है कि कोडिंग जो है वह तो खुद ब खुद आपका हो जाएगा, उसमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है। हमें मेनली कनेक्टिविटी सीखना है, डाटा को सेव करना हम लोगों को सीखना है। हम लोग का मेन पर्पस होना चाहिए कि डेटा कैसे सेव हो। और इंटरफेस डिजाइन के लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप जो भी टूल्स लेना चाहिएगा आप यहां पर क्लिक कीजिएगा, ड्रैग ड्रॉप में आप कीजिएगा, आपका इंटरफेस बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम लोग डाटा बेस्ड डिजाइनिंग के प्रति हम लोग सीखते हैं कि डाटा बेस्ड डिजाइनिंग कैसे करेंगे। इसके लिए एक कंप्लीट कोड हम लोग ले लेंगे और इसमें हम लोग क्लास का नाम ईएमपी चेंज कर लेंगे। मतलब स्टेप बाय स्टेप इस चीज को समझिएगा, इसका नाम हम लोग ईएमपी कर लिए। करने के बाद जहां जहां यहां पर है ईएमपी क्लास का फ्रेम नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट्स द इंस्टांस ऑफ द क्लास। ऑब्जेक्ट जो होता है किसी क्लास का इंस्टांस क्रिएट करने का जॉब परफॉर्म करता है। यदि आप इस कंस्ट्रक्टर में चेंज नहीं कीजिएगा तो वह आपका बनकर तैयार नहीं होगा। यहां पे हम लोग एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म बना रहे हैं, यहां पर आप लिख दीजिए एम्प्लॉय एंट्री फॉर्म। आप कोड से भी लिख सकते हो या आप चेंज करने के लिए आप इंटरफेस में भी जाकर, डिजाइन विंडो में जाकर, उसके टेक्स्ट में भी जाकर चेंज किया जा सकता है। एंट्री फॉर्म दोनों तरीका से आप कर सकते हैं, एम्प्लॉय आईडी, नेम, नेम के बाद यहां पर शेप बटन है, इंसर्ट करना डेटा एम्प्लॉय नाम के टेबल में, ईएमपी मैंने लिखा। ईएमपी लिखने के बाद अब हम लोग इसे सेव करना है तो कंट्रोल एस से सेव कर लेंगे। अब डेटाबेस में देखेंगे कि हम लोगों ने बनाया किस किस नाम से, ई नाम, ई नेम, एड्रेस और सैलरी। हम लोगों ने क्या क्या बनाया है, ई नाम, ई नेम, एड्रेस और सैलरी। लास्ट वाला हमारा यहां पर, हम लोग डिजाइन विंडो में चले जाएंगे, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर हमारा डिजाइन विंडो ओपन हो जाएगा। ओपन करने के लिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि कहीं पर अगर कुछ छूटा हुआ होगा तो आपके ओपन करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे।
यहां पर क्लास का नाम में EMP मैंने कैपिटल लिखा और यहां छोटा लिख दिया, यही एरर है। जिस फॉर्मेट में ऊपर लिखेंगे उसी फॉर्मेट में ये होना चाहिए, नाम में थोड़ा सा भी मिसमैच होगा आपका बनकर तैयार नहीं होगा। अर्थात अगर हमने कैपिटल में लिखा है तो हर जगह आपको कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो हर जगह स्मॉल में ही लिखेंगे। लिखने के बाद कंट्रोल एस देंगे, अब आप डिजाइन विंडो पर क्लिक कीजिए, आपका बनकर तैयार हो गया। लेकिन इसका कलर चेंज करना है बैकग्राउंड्स का, फॉर्म के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हम लोग इसमें बैकग्राउंड ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। करने के बाद इस पर क्लिक कीजिए, जैसा आपको कलर लेना है क्लिक ऑन द कलर ऑप्शन एंड ओके, यानी AWT कलर, इसमें चले गए कस्टम कलर, अब है एम्प्लॉय ID नेम और दो और फील्ड था हम लोगों में, वह फील्ड था आपका एड्रेस और सैलरी, एड्रेस और सैलरी। एम्प्लॉय ID नेम एड्रेस और लास्ट वाला फील्ड पर लिखना है मिलो को सैलरी, तो इसका वेरिएबल का नेम भी चेंज कर दीजिए इसे सैलरी। और इसके कैप्शन को चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग यहां जाना पड़ेगा टेक्स्ट में, टेक्स्ट में जाने के बाद इस पर हम लोग चेंज कर दिए सैलरी। अगर इसके फोरग्राउंड का कलर, टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके, इसमें ऑप्शन है आपका फोरग्राउंड, इसके प्रॉपर्टी विंडो में यहां जाकर आप इसके कलर को आप चेंज कर सकते हो, जैसी इच्छा होगी वैसा कलर आप ले सकते हैं। ओके पर क्लिक कीजिए, यह आपका कलर चेंज हो गया। इस तरह से हम लोग आसानी से इंटरफेस डिजाइनिंग करने का जॉब परफॉर्म कर सकते हैं। अब तीसरा काम है कनेक्टिविटी करना, सेव बटन पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद उस सेव बटन के एक्शन परफॉर्म इवेंट्स पर हम लोगों को कोड लिखना है। हम लोग का कोड जो लिखा आएगा सेव बटन के एक्शन परफॉर्म इवेंट्स पर, इवेंट्स का नाम होगा एक्शन परफॉर्म, जो किसका रहेगा सेव बटन का, इसके ऊपर हम लोग कोड लिखेंगे। पहले हम जो चले जाएंगे डिजाइन विंडो, इसका नाम चेंज करना था, इसका नाम करना था सैलरी, SALARY सैलरी। किसी दूसरे का नाम सैलरी हो गया लगता है, इसका नेम है, इसका नाम एड्रेस है, इसका नाम क्या हो गया, इसका सैलरी 1 नाम दे दो। ये आपका लेबल है, लेबल ओनली प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द यूजर, बट टेक्स्ट बॉक्स यूजर से इंफॉर्मेशन लेता भी है और यूजर को इंफॉर्मेशन देता भी है। अब ऑटोमेटिकली यहां पर कंट्रोल एस से सेव कीजिए। यहां हमने लिखा क्लास डॉट फॉर नेम कॉम डॉट माई SQL, यही आपका कनेक्टिविटी का कोड है। लिखने के बाद कंट्रोल एस से सेव कीजिए। सेव करने के बाद यहां पर माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, करने के बाद रन एज में जाएंगे, जावा एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जब प्रोसीड पर क्लिक करेंगे यह हमारा इंटरफेस बनकर तैयार हो गया। जैसे जस्ट एक एग्जांपल 101 जो रहता है पटना में, नाम है रमेश, सैलरी मान लीजिए 4500। अगर सही होगा तो मैसेज डिस्प्ले करेगा और गलत होगा तो दिखलाएगा कि आपने कुछ गलत या आपसे बाय मिस्टेक कुछ छूट गया, तो दिखला रहा है आपको कि पेज नंबर लाइन नंबर 109, 101 और 90 लाइन को चेक कीजिए, तो 90 नंबर 100 में कुछ एरर है, इसमें एरर नहीं है, इसको थोड़ा सा सेव को ठीक कर लीजिए, बड़ा कर दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। 101 लिख रहा है आपका लाइन नंबर 101, और कभी भी अगर एरर होगा तो एरर होने पर खुश होना है कि चलो सीखने का मौका मिला। देखिए यहां पर एरर था, EMP ऑफ वैल्यूज आपका गलती से सट गया था, बाय मिस्टेक सट गया था। तो अगर एरर हो तो सीखने का भी आप लोग के पास मौका है, इससे पता चलेगा कि और नया नया चीज सीखने को भी मिलेगा। भी पटना रमेश सैलरी सेव,
वन रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, अर्थात आपने जो किया वह डाटा सेव हुआ। अब हमें यह चेक करना है कि हम जो किए डाटा सेव हुआ या नहीं, तो इसके लिए हम लोग अभी तत्काल SQL ओपन करेंगे, MySQL। हम लोग जैम का यूज कर रहे हैं, जैम पर यूज करने में MySQL ओपन किए, एम्प्लॉय नाम के टेबल पर क्लिक किए, ब्राउज पर क्लिक किए। ब्राउज पर क्लिक करने देखिए आपका 101 रमेश पटना 4500 रुपीज जो दिए थे वह डेटा हमारा डेटाबेस में प्रॉपर ढंग से सेव हो गया। इससे हम लोग यह कंक्लूजन निकालेंगे कि हमारा कनेक्टिविटी सही ढंग से हो गया है। और साथ ही साथ अगर नया कोई फाइल बनाना चाहते हैं, यदि आपका एक फाइल बन जाता है तो दूसरा फाइल बनाने में दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोगों ने रेफरेंस लाइब्रेरी में जाकर हम लोगों ने ऐड किया है जावा MySQL कनेक्टर को। तो जब तक आप जावा MySQL कनेक्टर को कनेक्ट नहीं कीजिएगा तब तक आपका वर्क प्रॉपर ढंग से नहीं होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियो जावा का कनेक्टिविटी MySQL के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे आप देखिए और इससे आप लाभान्वित होइए। धन्यवाद।